डेली विटामिन न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक बड़ी खबर के साथ आए हैं। त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कुछ दिन पहले तोड़फोड़ पथराव की घटना के बाद पुलिस ने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया है फिलहाल नांदेड़ में स्थिति शांतिपूर्ण है। वहां शुक्रवार को पुलिस वाहन पर पथराव की घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी अधिकारी ने कहा कि हिंसा वजीराबाद इलाके और देगलूर नाका में हुई। पुलिस अधिकारी ने 1 लाख रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार शिवाले ने बताया घटना को लेकर नांदेड़ में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। नांदेड़ पुलिस ने अब तक इस घटने में कथित रूप से 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति अब नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए मामले दर्ज किए गए। त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा निकाली गई रैलियों के दौरान शुक्रवार को महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, नासिक, वाशिम और यवतमाल में विभिन्न स्थानों पर पथराव हुआ था। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा निकाली गई रैलियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा कथित रूप से आयोजित बंद के दौरान भीड़ द्वारा दुकानों पर पथराव करने के बाद शनिवार को अमरावती शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। आपको बतला दें 3 से 4 दिन तक का इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई।